हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है नीलम ब्लॉग चैनल पे। मैं आज बनाने जा रही हूँ टमाटर केचप यानी कि टमाटर सॉस की होममेड रेसिपी। टमाटर केचप की रेसिपी बनाने के लिए हम यहाँ पे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे कोई भी प्रिजर्वेटिव कलर्स या फिर कोई भी केमिकल नहीं यूज कर रहे हैं। इसके वजह से ये बच्चों के लिए बहुत ही सेफ रेसिपी है। आप घर पे जरूर बनाइए। आप ये पोटैटो स्माइली के साथ या फिर फ्रेंच फ्राई के साथ, पिज्जा के साथ, पकौड़े के साथ आप खा सकते हैं। अगर घर पर कोई सब्जी जो बच्चे नहीं खा रहे हैं उनको आप रोटी के साथ टमाटो केचप दे सकते हो, आसानी से खा सकते हैं। चलिए फिर हम बनाते हैं टमाटो केचप। केचप बनाने के लिए हम यहाँ पे लाल कलर के पके हुए टमाटर का यूज़ करेंगे। करीबन ये 1 किलो टमाटर है। 1 किलो टमाटर मैंने अच्छे से धो के क्लॉथ से पोंछ के ले लिए हैं। अब हम इन्हें कट कर लेंगे। टमाटर का ब्लैक जो हिस्सा है वो हम कट कर लेंगे और बीच में ऐसे एक कट लगा देंगे। ऐसे ही हम सारे टमाटर कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे टमाटर को कट कर लिया है। अब केचप में लाल कलर आने के लिए हम यहाँ पे बीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी प्रिजर्वेटिव कलर नहीं इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ा बीट लिया था, उसका आधा हिस्सा 1 किलो टमाटर के लिए हम यूज़ करेंगे। हम ऐसे बारीक टुकड़े कट कर लेंगे। यहाँ पर हम टमाटर बॉईल कर लेंगे। सबसे पहले हम कुकर में टमाटर ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे हमने चॉप किए हुए बीट। टमाटर में नेचुरली ही पानी रहता है, इसलिए हम यहाँ पे ऊपर से पानी नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पे अब हम धीमी आंच पर एक सीटी निकाल लेंगे। यहाँ पे एक सीटी हो गई है, कुकर जो है वो ठंडा हो गया है। अब हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने पानी ऐड नहीं किया था, तभी भी टमाटर का पानी कितना बच गया है। अब हम ठंडा होने के लिए बॉल में निकाल लेंगे। यहाँ पे टमाटर ठंडे हो गए हैं। यहाँ पे हमने मिक्सर का जार ले लिया है। अब टमाटर सारे हम ग्राइंड करके ले लेंगे। टमाटर अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं, फाइन पेस्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे छन्नी रखकर छन्नी से छान लेंगे। टमाटर जो है हमने छन्नी से छान लिया है। टमाटर का सीड्स यानी कि टमाटर के जो बीज है और ऊपर का छिलका है वो बच गया है, इसे हम फेंक देंगे। यहाँ पे हमारी टमाटो प्यूरी बनके रेडी हो चुकी है। अब हम बनाते हैं होममेड हमारा टमाटो केचप। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हमने सारी प्यूरी डाल दी है। प्यूरी हम बीच बीच में ऐसे हम मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा सॉस है वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। यहाँ पे मैंने टमाटो प्यूरी जो है वो 5 मिनट अच्छे से मिक्स कर ली है। इसका थिकनेस आप देख सकते हैं। जब हमने टमाटो बॉईल करने के लिए रख दिए थे तब हमने जरा भी पानी यूज नहीं किया था, इसके वजह से हमारी टमाटो प्यूरी जो है वो थिक हो गई है। इसी स्टेज पर अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे शक्कर। शक्कर मैंने यहाँ पे आधी कटोरी ली है। आपके स्वाद अनुसार आप यहाँ पे शक्कर ऐड कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच सूंड और यहाँ पे मैं 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। केचप को और स्वादिष्ट बनाने के लिए हम मसाले यूज करेंगे। मसाले के लिए हमने यहाँ पे एक क्लॉथ लिया है। क्लॉथ पे हम डाल देंगे दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, थोड़ा सा जीरा, 1 स्टार फूल। अब इसकी हम ऐसी पूड़ी बना के लेंगे। मसालों की पूड़ी जो है वो हम सॉस में डाल देंगे और एक बार मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पे हम 10 मिनट के लिए ओल्ड सॉस को बॉईल करके ले रहे हैं ताकि हमने जो मसाले डाले हैं उसका फ्लेवर सॉस में मिक्स हो जाए। अगर आपको केचप में मसाले नहीं यूज कर रहे हैं तो ये प्रोसेस जो है आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे सॉस बन के रेडी है, अब हम इसका थिकनेस जो है वो टेस्ट करेंगे। थोड़ा सा सॉस जो है हम प्लेट पे ऐड करते हैं। सॉस इधर उधर फैल नहीं रहा है, इसका मतलब हमारा जो सॉस है वो गाढ़ा हो गया है और बन के रेडी है। यहाँ टमाटो सॉस यानी कि टमाटो केचप जो है वो ठंडा हो गया है, हमने जो डाली थी मसालों की पुड़ी वो हम निकाल लेंगे। हमने बनाया हुआ घर का टमाटो केचप है वो 1 महीने के लिए फ्रिज में रह पाता है, लेकिन जब आप 5 या 6 महीने के लिए स्टोर करना चाहते हैं टमाटो केचप तो इसमें हम ऐड करेंगे विनेगर। विनेगर जो है वो हम 3 चम्मच डाल देंगे। इसके वजह से हमारा जो केचप है वो 6 महीने के लिए फ्रिज में आसानी से रह पाता है। शुगर डालने से हमारा केचप जो है वो स्वीट तो हो ही गया है, इसके अलावा हमने यहाँ पे मसाले विनेगर और यहाँ पे तीखापन के लिए हमने जो मिर्च डाली है इसके वजह से हमारा सॉस जो है वो खट्टा मीठा तीखा और विनेगर से चटपटा बन के रेडी हो चुका है। मैं टमाटो केचप जो है आप चाहे तो कांच की बोतल पे या कांच की बर्नी में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास कांच की बर्नी नहीं है तो आप ऐसी वाली प्लास्टिक की जो सॉस की बोतल होती है इस पर आप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे रेडी हो चुका है हमारा टमाटो सॉस की रेसिपी, आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ गई होगी तो आप जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं फिर मिलूंगी अगली रेसिपी लेके, तब तक के लिए बाय बाय। खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए और प्यार बांटते रहिए।